हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एमआर सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं मनीष कुमार, और हम क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन नेवी एमआर की बुक को। तो आज हम जो पहला चैप्टर था भारत का इतिहास, वो समाप्त हो गया है, फिनिश हो गया है। और आज हम सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है भारत और विश्व का भूगोल। ठीक है, तो पहला है विश्व का भूगोल। ठीक है, तो चलिए, उसका पहला क्वेश्चन है, आकाश गंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए अनियमित, ऑप्शन बी अंडाकार, ऑप्शन सी सर्पिलाकार, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों, पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्पिलाकार है, जो आकाश गंगा का सर्पिलाकार। ठीक, चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी सेंटारस, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी मंगल। ठीक है, तो प्रश्न दो का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सूर्य। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य ही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी उल्का पिंड, ऑप्शन सी क्षुद्रग्रह, ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन तीसरे का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चार, आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी यूरेनस। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बुध। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 362 दिन, ऑप्शन बी 365 दिन, ऑप्शन सी 366 दिन, एंड ऑप्शन डी 355 दिन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 365 दिन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका राइट आंसर दीजिए। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है। ऑप्शन ए 686 दिन, ऑप्शन बी 19.5 वर्ष, ऑप्शन सी 84 वर्ष, एंड ऑप्शन डी 164.8 वर्ष। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29.5 वर्ष। चलिए, यानी 29.5 वर्ष। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 5.5 मिनट, ऑप्शन बी 6.5 मिनट, ऑप्शन सी 7.15 मिनट, एंड ऑप्शन डी 8.16 मिनट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 8.16 मिनट। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक निकट होती है। ऑप्शन ए 3 जनवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 4 जुलाई, एंड ऑप्शन डी 5 अगस्त। तो दोस्तों, क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3 जनवरी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 सितंबर, ऑप्शन सी 21 दिसंबर, एंड ऑप्शन डी 21 जून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 9, क्वेश्चन 9 का, तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 मार्च। चलिए, 21 मार्च को जो है वो पृथ्वी पर दिन रात इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बसंत विषुव की स्थिति कब होती है। ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 23 सितंबर, एंड ऑप्शन डी 23 दिसंबर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 21 मार्च। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है। ऑप्शन ए अमावस्या को, ऑप्शन बी पूर्णिमा को, ऑप्शन सी पंचमी को, एंड ऑप्शन डी अष्टमी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिमा को जो है चंद्रग्रहण लगता है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है,
समुद्री जल का एक निश्चित अंतराल पर ऊपर उठना तथा गिरना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी भाटा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों एंड ऑप्शन डी ज्वारीय तरंग। तो ट्वेल्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी ज्वार और भाटा दोनों को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसका राइट आंसर दीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भूपर्पटी में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए सिलिका, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी निकील एंड ऑप्शन डी लोहा। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए निकील, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी बेसाल्ट एंड ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी निकील। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के भाग हैं? तो ऑप्शन ए भूपर्पटी, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी क्रोड एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये सभी जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के भाग हैं वो भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड सभी को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम एंड ऑप्शन डी लोहा। तो दोस्तों 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वी के कुल भाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जल है? तो ऑप्शन ए 29%, ऑप्शन बी 51%, ऑप्शन सी 71% एंड ऑप्शन डी 78%। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 71%। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। चलिए ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका एंड ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी अमेरिका एंडीज पर्वत स्थित है दक्षिण अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन 90 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। माउंट एल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ऑप्शन ए राकी, ऑप्शन बी आल्पस, ऑप्शन सी एंडीज एंड ऑप्शन डी काकेशस। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? ऑप्शन ए एटलस, ऑप्शन बी काकेशस, ऑप्शन सी मैटरहॉर्न एंड ऑप्शन डी किलिमंजारो। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किलिमंजारो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए एवरेस्ट, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी कैलाश एंड ऑप्शन डी माउंट मैकिले। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कीजिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी K2। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। माउंट माइकिले कहाँ अवस्थित है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कीजिए। उत्तर अमेरिका ऑप्शन ए है, बी दक्षिण अमेरिका, सी यूरोप एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तर अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आल्पस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एल्बर्स, ऑप्शन बी कोशिकसुओ, ऑप्शन सी माउंट ब्लैंक, ऑप्शन डी माउंट एल्बर्ट। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट ब्लैंक। चलिए अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चोटी ज्वालामुखी अभिक्रियाओं के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए काकेशस, ऑप्शन बी फ्यूजियामा, ऑप्शन सी किलिमंजारो एंड ऑप्शन डी K2। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
फ्यूजीयामा, फ्यूजीयामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। एकांक गुआ की चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन ए एंडीज, ऑप्शन बी आल्पस, ऑप्शन सी फ्यूजीयामा एंड ऑप्शन डी काकेशस। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज। ठीक है, तो दोस्तों यही थे हमारे 25 क्वेश्चन और आज हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे जो चैप्टर का नाम है भारत और विश्व का भूगोल। ठीक है, तो ये चैप्टर को हम चार दिन में ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हम ऐसे ही आपको इंडियन नेवी MR के लिए हर रोज़ GK के क्वेश्चन लाते रहेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।